उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बार फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि जल्द ही बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस उपचुनाव न लड़कर समाजवादी पार्टी का समर्थन करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस गाजियाबाद या खैर सीट के अलावा कुछ और सीटें भी चाहती थी, लेकिन उस पर बात नहीं बन पाई। जानकार इस बात को भी मानते हैं कि कांग्रेस की नज़र उपचुनाव से ज्यादा साल 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। अगर उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति बिगड़ती है तो कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर पड़ेगा। यही संदेश प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है, यानी उपचुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सभी 9 सीटों पर समर्थन दे सकती है। यहां आपको ये भी बता दें कि यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावेदारी पेश की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, News 24। झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। आरजेडी ने जेएमएम को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, नहीं तो झारखंड में आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी। नाराजगी उस वक्त शुरू हुई जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह ऐलान किया कि वो और उनकी पार्टी यानी जेएमएम और कांग्रेस जो है वह झारखंड विधानसभा में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब आरजेडी की नाराजगी इस बात को लेकर है कि आरजेडी चाहती है कि कम से कम वो 11 से 12 सीटों पर चुनाव लड़े। हालांकि 48 घंटे का अल्टीमेटम आरजेडी के तरफ से दिया गया है। अब यह देखना होगा कि अगर 48 घंटे में हेमंत सोरेन आरजेडी की बात नहीं मानते हैं तो आरजेडी का अगला कदम क्या होगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करके एक मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली है, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। विदर्भ की 12 सीटों को लेकर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में ठनी हुई है। ये 12 सीटें हैं आरमोरी, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चिमूर, बल्लारपुर, चंद्रपुर, रामटेक, कामटी, दक्षिण नागपुर, अहेरी और भद्रावती अरोरा। इन 12 सीटों में से चंद्रपुर और एक सीट पर एनसीपी शरद पवार गुट ने वहां पर दावा किया है। इतना ही नहीं, मजे की बात तो यह है कि 2019 में इन 12 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी और निर्दलीय वहां पर विधायक बने थे। एक भी सीट न कांग्रेस को मिली थी, न शिवसेना यूबीटी को मिली थी। और इससे आगे जाकर भी इन 12 चुनाव क्षेत्रों में वहां पर शिवसेना यूबीटी का कोई कैडर नहीं है। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हमने विदर्भ की 2 अहम सीटें रामटेक और अमरावती हमने कांग्रेस को दी थी, अब इसके एवज में कांग्रेस हमें 12 सीटें देकर एक बड़ा दिल दिखाए। कैमरामैन दिलीप अवरे के साथ विनोद जगदाले, News 24, छत्रपति संभाजीनगर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र में सियासी पार्टियों की हलचले काफी तेज है। राज ठाकरे भी काफी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे लगातार अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठकें कर रहे हैं। राज ठाकरे पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो चुनावी मैदान में अकेले ही जाएंगे, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि मुंबई की कुछ सीटों के लिए महायुति राज ठाकरे को समर्थन कर सकती है। सूत्रों की माने तो शनिवार की रात मुंबई की इकबाल सितारा होटल में राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच इस संदर्भ में मुलाकात भी हुई। करीब 2 घंटे तक तीनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो शिवडी, वर्ली और माहिम जैसी सीटों पर महायुति अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और एमएनएस के उम्मीदवार को समर्थन देगी। शिवडी से एमएनएस ने बाला नंदगांवकर को चुनावी मैदान में उतारा है, जो राज ठाकरे के काफी करीबी और वफादार नेता है। वही माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित के चुनावी लड़ने की बात सामने आ रही है। वर्ली से आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे में महायुति और एमएनएस दोनों मिलकर आदित्य को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। इससे पहले भी राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए बिना शर्त समर्थन दिया था। कैमरा पर्सन अनुज सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, News 24 मुंबई। महायुद्ध में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होने के बाद बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 80% पुराने चेहरों को तरजीह दी गई है, जबकि 10 नए चेहरे उतारे गए हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में मुंबई को लेकर भी 14 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिसमें 13 मौजूदा विधायक हैं। खास बात यह भी है कि 3 जो प्रेजेंट सीटें हैं मुंबई में बीजेपी की, उस पे उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं, यानी यहाँ एक से ज्यादा दावेदार हो सकते हैं और यहाँ पर मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। वहीं यह लिस्ट आने के बाद कई जगहों पर नाराजगी देखने को मिल रही है, जैसे बीड़ और वर्धा में स्थानीय नेता खुलकर सामने आ गए हैं। खबर ये भी है कि शिवसेना शिंदे गुट भी नाराज हो सकता है,
क्योंकि 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उस पर शिवसेना का वर्चस्व है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24 मुंबई। आरएसएस का प्रचारक प्रशिक्षण शिविर 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक यानी 4 दिनों तक ग्वालियर में होगा। इसमें संगठन के तमाम नेता जुटेंगे और जाहिर तौर पे अगले 5 साल तक संगठन का यानी आरएसएस का और उससे जुड़े जो अनुसांगिक संगठन है इंक्लूडिंग बीजेपी, उनका एजेंडा क्या होगा उस पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि आरएसएस सर संचालक, सर कार्यवाह समेत सभी अखिल भारतीय पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी अनुसांगिक संगठनों के संगठन सह संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी के भी सभी संगठन मंत्री इस बैठक में भाग लेंगे। विभिन्न संगठनों में काम करने वाले प्रचारकों को प्रशिक्षण वर्ग के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें कार्य पद्धति, कौशल विकास जैसे मुद्दों पर बौद्धिक दिया जाएगा। सामान्य तौर पर 5 सालों में एक बार प्रचारक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आरएसएस करता है। इसमें 450 प्रचारक शामिल होंगे। मुख्य तौर पर जो एजेंडा है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहे हैं उसे लेकर आरएसएस लगातार चिंता जता रहा है, उस पर चर्चा होगी। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही साथ हिंदुओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहा है, हमले बढ़ रहे हैं, ऐसा आरएसएस कई बार बयान भी दे चुका है, इसे लेकर भी महत्वपूर्ण रूप से बौद्धिक दिया जाएगा। उसमें बीजेपी के भी तमाम संगठन मंत्री होंगे। बाद में यही संगठन मंत्री आकर पार्टी में इन तमाम चीज़ों की जानकारी देते हैं और उसके बाद सरकार और पार्टी उस लिहाज से अपनी रणनीति बनाती है और इस वजह से आरएसएस की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन विजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज 24 दिल्ली। कांग्रेस सीईसी की बैठक आज महाराष्ट्र और झारखंड के कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर। महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के सिलसिले में सोमवार यानी आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। महाराष्ट्र के लिए सीईसी की बैठक रविवार की शाम को होनी थी, लेकिन पार्टी के नेताओं ने करवा चौथ समेत कई कारणों का हवाला दिया, जिसके बाद बैठक स्थगित कर दी गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस के पैनल ने पिछले हफ्ते सीईसी के विचार के लिए 62 नामों की मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच तनाव के मद्देनजर कांग्रेस के राज्य प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने शनिवार को उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बयान दिया कि तीनों पार्टी के नेता कल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इकट्ठा होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली सूची जारी की जाएगी। साहिल के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। महाराष्ट्र चुनाव के बीच मध्य प्रदेश में भी 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट जो कि शिवराज सिंह चौहान का गढ़ मानी जाती है, तो दूसरी सीट है विजयपुर। दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने, बुधनी और विजयपुर दोनों सीट पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। बुधनी से बीजेपी ने जहां रमाकांत भार्गव को चुना है जो कि शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को चुना है। विजयपुर सीट से एक तरफ जहां कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को चुना है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जो कि कांग्रेस छोड़कर लोकसभा चुनाव में बीजेपी आए थे, रामनिवास रावत, उनको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। लेकिन अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी जो सवाल खड़े कर रही है, बुधनी सीट से समाजवादी पार्टी के अर्जुन आर्य को कैंडिडेट बनाने जाए। अर्जुन आर्य जो कि कांग्रेस में हुआ करते थे और एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर अब समाजवादी पार्टी से बुधनी में बतौर कैंडिडेट उतारे गए हैं। लेकिन यहां पर शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर आज बैठक हुई भोपाल में। उस बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बड़े सवाल खड़े किए इंडिया गठबंधन को लेकर। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ झूठ का गठबंधन है और जिस तरह से बुधनी में भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को उतारा है जबकि कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो यहाँ पर इस गठबंधन को या फिर बाकी राज्यों में जो गठबंधन है वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस तरह का गठबंधन करते हैं, ये सवाल खड़े किए हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24 भोपाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। समाजवादी गणराज्य पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व MLC कपिल पाटिल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कपिल पाटिल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला की उपस्थिति में कांग्रेस का दामन थामा। कपिल पाटिल मुंबई के गोरेगांव विधानसभा सीट से चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी से लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने महायुति की चिंता बढ़ा दी है। मनोज जरांगे पाटिल ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। इस बीच दिवंगत मराठा नेता रहे विनायक मेटे की पत्नी ज्योति मेटे ने शरद पवार की NCP में शामिल हो गई हैं। ज्योति मेटे
बीड के किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दें कि बीड जिले में मराठाओं का बड़ा जनाधार है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, डिश 24, मुंबई। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाकर अब मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने जहां 7 में से 6 सीटों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी ने वागड़ इलाके में 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और अकेले जाने का फैसला किया है। जबकि कांग्रेस अब तक टिकटों को लेकर माथापच्ची में जुटी हुई है। यह कांग्रेस का वार रूम है जहां कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और इस बैठक के दौरान ही तय किया जाएगा कि किस तरह की रणनीति के साथ पार्टी चुनाव मैदान में नजर आएगी और कौन कौन से प्रत्याशियों के नामों का पैनल पार्टी हाईकमान के पास भेजा जाना, ताकि जल्दी से जल्दी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सके। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सल, जयपुर, न्यूज 24। बिहार की 4 सीटों पर बाय इलेक्शन होना है और यह इलेक्शन जो है वह आगामी 13 नवंबर को होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कैंडिडेट की सूची अगर देखे, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद जो है वह उसकी अहमियत दी गई है। अगर उम्मीदवारों की अगर आप लिस्ट देखेंगे, सबसे बड़ी बात है कि अगर आरजेडी की बात करें तो निश्चित तौर पर बेलागंज की जो सीट दी गई है, सुरेंद्र यादव जो एमपी बने हैं उनके बेटे को वह सीट दी गई है। तो निश्चित तौर पर चुनाव से पहले चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, परिवारवाद की बात जरूर करती है, लेकिन जब समय आता है उम्मीदवार बनाने की और जब समय आता है चुनाव की, तो निश्चित तौर पर चाहे कोई भी पार्टी हो, कहीं ना कहीं परिवारवाद जो है वो हावी हो जाता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। गुजरात में बीजेपी सदस्यता अभियान एक बार फिर विवादों में। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने गए मरीजों को उनकी जानकारी के बगैर बना दिया गया पार्टी का सदस्य। गुजरात के राजकोट में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो में रणछोड़ दास ट्रस्ट अस्पताल और भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। वीडियो में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल में आंखों की सर्जरी कराने गए 350 से अधिक मरीजों को बिना उनकी जानकारी के और सहमति के भाजपा के सदस्य के रूप में पंजीकृत कर दिया गया। जूनागढ़ के मरीज कमलेश सुमन ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर इस मामले को उजागर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में रात के समय किसी व्यक्ति ने मरीजों से उनके मोबाइल नंबर और ओटीपी मांगे थे। सुमन ने जब ओटीपी साझा किया तो कुछ ही देर में उन्हें एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि वे भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले सुरेंद्रनगर के अनिंद्र और आईपीएस स्कूल में भी छल से स्कूली विद्यार्थियों के जरिए अभिभावकों को बीजेपी का सदस्य बनाने का विवादित मामला सामने आया था। इतना ही नहीं, राशन लेने गए लाभार्थियों को भी बीजेपी सदस्य बनाने का मामला सामने आया था। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि कार्यकर्ता आवेश में आकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। अहमदाबाद। रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए धमाके को 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे हैं। और सबसे अहम कड़ी जो इस मामले में हो सकती थी वो सीसीटीवी और सीसीटीवी फुटेज तमाम इलाके के खंगाले जा रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस को ये है कि पिछले 24 घंटे के दौरान यहाँ पर कोई भी शख्स उस बैग को रखता हुआ दिखाई नहीं दिया है। और इस मामले में तमाम एंगल्स जो हैं वो पुलिस खंगाल रही है। दूसरी तरफ एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ है, जिसमें जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। बहरहाल, लेकिन पुलिस उस एंगल को भी डिनाइल नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आज से कई सालों पहले जब इस तरह के ब्लास्ट होते थे तो उसमें एक आईएम का मॉड्यूल होता था, इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल ने भी इस तरह के धमाकों को अंजाम दिया। लेकिन ये बात साफ जाहिर है कि जिस भी शख्स ने ये ब्लास्ट किया है उसका मकसद केवल मैसेज देना था और एक पैनिक क्रिएट करना। हसन कलिकांत के साथ कौशिक, न्यूज 24, दिल्ली। यहाँ मध्य कश्मीर के गगनगेर इलाके में लगातार सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक तरफ सेना के स्पेशल कमांडोज, तो वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस का इलीट एसओजी ग्रुप जो है वो इस इलाके में जगह जगह पर तलाशी अभियान को अंजाम दे रहा है। पास में जितने भी आसपास के पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर फोर्सेस फैले हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जिन आतंकियों ने बर्बर तरीके से इस तरह से
हमला किया इन वर्कर्स पर जो इस जेड मोड की टनल पे काम कर रहे हैं, और इन हमले में मारे गए लोगों के बाद से ही लगातार यहां पर फोर्सेस द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं जो अंदरूनी पहाड़ी इलाके हैं यहां पर भी फोर्सेस की मूवमेंट देखी जा सकती है। जो आतंकी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें भी ढूंढ निकालने के लिए लगातार फोर्सेस का ऑपरेशन यहां इस इलाके में चल रहा है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ सुहाब, गगन खेर, न्यूज 24। जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले के सोनामर्ग के गगनगिर इलाके में बीते कल आतंकियों ने एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस हत्या के विरोध में जम्मू में शिवसेना डोंगरा फ्रंट की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। शहबाज शरीफ के पुत्र जा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। देश के कई हिस्सों में इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो सात आसमान तक पहुंच चुका है। यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पोस्टर से जलाया जा रहा है। लगातार जो नारेबाजी है वो पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। पोस्टर बैनर हाथ में लिए लिखा हुआ है नो टास्क पाकिस्तान ओनली अटैक। जब भारत पाकिस्तान से पहले जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेहद सख्त रुख अपनाया है, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में की जाए, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। आतंकियों ने 7 लोगों को मारा है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृहमंत्री ने मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वहाँ पर इस घटना के बाद सियासत भी होने लगी है और आरोप भी एक दूसरे पे लगने लगे हैं। हालांकि वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस तरह की कायरतापूर्ण घटना को जम्मू कश्मीर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ रविंद्र रैना जो बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये इस घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और उसी के इशारे पे इस घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से नई सरकार का गठन हुआ है, उस गठन के बाद पहली बार इस तरीके की टारगेट किलिंग हुई है जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। और इसी पर टारगेट करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका जवाब देना चाहिए कि कैसे ये घटना घटी है, और सरकार उनकी है वहाँ पे और उस बात का वो जवाब दें। अविनाश राणा के साथ प्रशांत दे, न्यूज 24। हरियाणा में आखिर इंतजार के बाद नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विभागों का ऐलान कर दिया गया है। बेशक नायब सिंह सैनी ने अपने पास गृह, वित्त और कराधान विभाग रखा है, तो वहीं पर अनिल विज को भी इसी तरह बिजली डिपार्टमेंट दे दिया गया है, परिवहन डिपार्टमेंट दे दिया गया है, और उसके साथ साथ श्रम मंत्रालय भी दे दिया गया है। विपुल गोयल को रेवेन्यू और डिजास्टर के साथ साथ निकाय विभाग और सिविल एविएशन विभाग दिया गया है, तो राव नरवीर सिंह को उद्योग दिया गया है, श्याम सिंह राणा को कृषि और महिपाल ढांडा को उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा का प्रभार भी दिया गया है। इसी तरह राव इंद्रजीत की बेटी जो मंत्री बनी है आरती राव, उनको भी स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया है, तो श्रुति चौधरी को सिंचाई विभाग के साथ साथ महिला और विकास विभाग दिया गया है। इसी तरह अरविंद शर्मा को जेल और सहकारिता विभाग दिया गया, तो रणवीर गंगवा को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिया गया, और कृष्णलाल पवार को सोशल जस्टिस और अन्य विभाग दिए गए हैं। साथ के साथ राजेश नागर जो स्टेट मिनिस्टर हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया, उनको फूड सप्लाई दिया गया है, तो वहीं पर गौरव गौतम को भी खेल और युवा विभाग दिया गया है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज 24, चंडीगढ़। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर फिलहाल 23 अक्टूबर तक बुलडोजर नहीं चलेगा। हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई पर 23 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। बहराइच हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मामला पहुंचने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से 23 अक्टूबर को जानकारी पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही जिन कथित अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिसें जारी की गई हैं, उन्हें भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय देकर अफसरों को इनका निस्तारण करने का आदेश भी दिया गया है। दरअसल 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के बाद
पत्थरबाजी में राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से इस पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। महाराजगंज कस्बे में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बीच मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया गया, जिसके बाद से इस कस्बे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस बीच कस्बे के लोगों ने खुद से ही अपने अवैध निर्माण को तोड़ना भी शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24।